गोंडवाना दर्शन में सुनने वाले और देखने वाले मेरे सभी साथियों से सेवा जोहार, पेन जोहार, लिंगो जोहार, रायतार जंगो जोहार, माँ काली कंकली जोहार। गोंडवाना दर्शन के माध्यम से पूरे भारत देश में से गोंड गोंडी गोंडवाना के बारे में इंफॉर्मेशन लेते आ रहे हैं, उसमें से हम एक छोटा सा मुंगी जैसा आपका एक भाग हूँ और मैं भी अपने गोंडी के संदर्भ में अपने विचार रखने का कोशिश कर रहा हूँ। सभी साथियों, जहाँ पर भी कुछ कमी आएंगी वहाँ पर आप सभी से मार्गदर्शन की मैं अपेक्षा करता हूँ। हम सब मिलके गोंडवाना बनाएंगे, ऐसा भी हम सबके दिल से मैं मनोकामना रखता हूँ। तो गोंडी के बारे में हमको जो प्रेरणा मिली वो हमारे प्रेरणा स्थान पेनवासी तिरुमाल डॉक्टर मोतीरावन जी कंगाली और पेनवासी सुनेर सिंह जी ताराम, जिसने गोंडवाना दर्शन मासिक पिछले 40 साल से चलाया। उनके पेनवासी होने के पश्चात कुछ महीने सिर्फ स्थगित है और वो भी हम सब ने मिलकर चालू करेंगे, ऐसा आशा रखता हूँ। और नेटवर्क के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे सभी टीम ने ये मुलाकात रखा गया है। तो आज उनके साथ काम करने वाले और आज जो हमारे प्रेरणा स्थान है डॉक्टर मोतीरावन जी कंगाली और सुनेर सिंह जी ताराम, उनके साथ काम करने वाले आज मौजूद है वो हमारे बड़े भैया प्रकाश सलामे दादा अमरावती से, और उनके साथ साथ काम करने वाली महान लेखिका कवि उषा किरण आत्राम, मनीरावन दुग्गा, मारुति उइके दादा, सीताराम मंडले जी, मुंशी मंगल सिंह मसराम, और मेरे साथ हम सब जहाँ जाएंगे वहाँ साथ साथ चलने वाले मेरे साथीदार, मेरे भाई नंदकिशोर नैताम, बिच्चू वड्डे सर, गणेश हलमी सर, शशिकांत जी मड़ावी सर, अशोक जी मड़ावी मेरे जो क्लासमेट और परसों ही उनका गोंडवाना दर्शन से लाइव हुआ, उसी तरह संदीप अरकड़े दादा और के एम मैत्री जी, ये सभी साथी लोग, और भालाघाट से उइके दादा, संपत से उइके दादा, उसी तरह जितने भी कोईताल संध्या धुर्वे जी, और जो भी इस गोंडवाना दर्शन के माध्यम से अपने विचार रखते हो तमाम मेरे सगा साथियों, अभी नहीं तो इसके पहले जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ तब से कुछ काम गोंडी भाषा के बारे में काम करने वाले तमाम विद्वान, जैसे मनीरावन दुग्गा जी है, पटवर्धन जी है, बोधनकर
सावदेकर, पांडे, चेनविक्स, फादरी, फेलबुल आदि ने बहुत से गोंडी के शब्दकोश लिखा है और चेनविक्स, कोल्डवेल, जूल ब्लांक, ग्रियर्सन, न्यायमूर्ति रानड़े आदि के द्वारा ही गोंडी के बारे में काम किया गया है। इसी तरह डॉक्टर जॉन मार्शल, आस्को परपोला, वाल्टर ए फेयर सर्विस, फादर हेनरी हेरास, ई वेलेबिल, इरावत महादेवन, ई जे एच मैकी, जी एफ डेल्स, ए आर के जोड़े, जी एस हंटर आदि विद्वानों ने गोंडी के बारे में अपने भारत के तमाम तत्वज्ञानी काम किया है और इनसे प्रेरणा लेकर हम अभी नया पीढ़ी हम काम करने का शपथ लिया है और काम करते आ रहे हैं। तो मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो गोंडी भाषा की उत्पत्ति और विकास। तो गोंडी भाषा ये प्रागैतिहासिक भाषा है, यानी इतिहास पूर्व भाषा है, यानी गोंडी भाषा की उत्पत्ति निसर्ग के सजीव और निर्जीव घटकों से हुई है। निर्जीव घटक की सजीव और निर्जीव घटक की आवाज से तैयार हुआ है। उसमें से हम लोग अपने घर से ही जाएंगे कि गोंडी भाषा कौन कौन बोलते हैं। तो मैं अभी शॉर्टकट बोलने जाऊंगा कि गोंडी भाषा निसर्ग के सजीव और दोबारा बोलता हूँ निर्जीव घटकों का आवाज से तैयार हुआ है। निसर्ग के सजीव और निर्जीव के घटक के आज भी आवाज आ रहा है और उसी तरह पूरा निसर्ग चेंज होते आता है। मतलब इसका मतलब यह है कि गोंडी भाषा ये नैसर्गिक भाषा है। गोंडी भाषा इज गोंडी लैंग्वेज इज नेचुरल लैंग्वेज, नेचर से पैदा हुआ है तो नेचुरल लैंग्वेज है। यानी गोंडी भाषा ये धरती के सभी भाषाओं का जननी है, इसके हमारे पास प्रूफ है। वो सभी प्रूफ हम घर से ही देखेंगे। आज से ही सभी लोग अपन सोचेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आज शाम को सुबह 3 या 4 बजे जब मुर्गों का आवाज़ आएगा वो भी गोंडी से बात करेंगे तो मुर्गे मुर्गियाँ कैसे गोंडी बोलते हैं ये अपन हम लोग देखेंगे। जनरली 3 प्रकार के मुर्गियाँ होती है, उसमें से सबसे छोटा जात का मुर्गा, मझली जात का मुर्गा और बड़े मुर्गा। तो सबसे छोटी जात जो है वो मुर्गा का आवाज़ अलग निकलता है, मझली जात के मुर्गे का आवाज़ अलग निकलता है और बड़े मुर्गे का आवाज़ अलग निकलता है और वो सब गोंडी से बात करते हैं। तो कैसे बात करते देखिए, सबसे छोटा मुर्गा आवाज़ निकालता है कुकुर कुकुर, ऐसा लॉन्ग आंसर निकलता है ना, कुकुर कुकुर ऐसा, यानी कोरेटिपारी इस तरह का वो लांब अपना आवाज़ निकालता है। यानी पारी के माध्यम से तमाम लोगों को सुबह उठो चलो काम करने के लिए जाएंगे, सुबह हो गया, इस तरह का वो संदेश तमाम मनुष्यों को तथा सभी प्राणी पशुओं को देता है। वो मजवा लेवल का जो मुर्गा है वो अलग तरीके से बोलता है, वो बोलता कोकड़ेर कोर ऐसा बोलता है, कैसा कोकड़ेर कोर, मतलब शॉर्ट कट बोलता है। इसका मतलब यह है कि कोरचा गायता, यानी हम मैं कोरचा ही बोल रहा हूँ, रमेश कोरचा जी, तो कोरचा ये सरनेम कोर से आया है, ये सभी को मानना पड़ेगा। यानी कोरचा गायता
सुबह हो गया, चल उठ काम पे जाएंगे, इस तरह का वो संदेश कोरचा के माध्यम से तमाम मानव जाति को तथा पशु पक्षियों को देता है। सबसे बड़ा मुर्गा यानी किमान 3.5 किलो के ऊपर का बेरड़ जैसा मुर्गा, वो अलग तरीका से बोलता है। वो बोलता है पगड़ेर कोर, बोलता क्या बोलता है पगड़ेर कोर, इसका मतलब यह है कि कोकोड़े पारी, ऐसा बोलता, कैसे बोलता है कोकोड़े पारी, उठ चल काम पे, सुबह हो गया, इस तरह का वो कोकोड़े को पारी के माध्यम से मानव जाति को तथा पशु पक्षियों को सभी को संदेश देता है। अपन एक और इमेजिनेशन करेंगे कि कोरेटी और कोकोड़े को कोर पारी बोलता है और कोरचा को दादा बोलता है। इसका मतलब ये है कि कोर यानी मुर्गा यह 6 देव वाला होगा, ये नेचुरल फिलोसफी है। इसके बाद में अपन जाएंगे अपने घरों में जनरली करके कुत्ते रहते हैं, कुत्ते कैसे गोंडी बात करते हो अपन देखेंगे कि जिसके घर में कुत्ते होते उसको अच्छा ढंग से पता है। एक आध आदमी अंधेरे में या दिन को भी एकदम दूर होगा, अनजान आदमी, तो वो दूर से ही बुबू बोलती है। कैसे बोलती है बुबू, इसका मतलब गोंडी में क्या होता, निमा बोरांदी वेहा अस्केवरा, इस तरह वो अनजान आदमी को दूर से ही पूछती है। मतलब वो अगर उस वो कुत्ते की ओर अगर ध्यान नहीं देगा, वो बिना बात करते अगर आता है तो थोड़ा नज़दीक पास आने पर यानी जनरली 50-100 मीटर के आसपास, सॉरी 50-60 मीटर के आसपास आने पर उसकी आवाज़ चेंज होता है, वो अलग आवाज़ से बोलता है बोबू हैव, बोलता क्या बोलता बोबू हैव। इसका मतलब ये है इमा बोरांदी व्या अस्केवरा, यानी आप कौन है पहले बताइए फिर आइए, इस तरह का वो क्वेश्चनिंग अनजान आदमी को करता है। फिर भी अगर वो अनजान आदमी उसके ओर ख्याल नहीं देता हुए वो नज़दीक पास आ गए समझो 25-30 मीटर के आसपास, तो वो बहबू है वगैरह वो छोड़ देता और उसके पास जाके गिरता है और हैव 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 बोलता जोर जोर से। इसका मतलब वेहा 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 नैते जय मायो नैना निकुल शिक्षा ही का, यानी बता बता बता, आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं बताएगा तो मैं आपको शिक्षा दूंगा, इस तरह का वो उसको डांटता है। लेकिन उसके आज अगल बगल में अगर उसका मालक होगा तो वो सीधा बोल देगा कि अरे कबरू आपको पता नहीं क्या, वो अपना ही आदमी है, पहचान का है, सगा है, इस तरह अगर वो बोल दिया तो एक आवाज़ में से उतना वो डांटने वाला कुत्ता उसको चुमा लेता है, चुक 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 करता है और उसको अपना पूँछ हिलाता है। उसका पूँछ हिलाना मतलब हंसना और चुक 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 करके उसको चुमा लेना मतलब मेरा गलती हुआ मुझे माफ़ कर, मेरा मालक अगर पहले बता दिया होता तो मैं आपको इस तरह का डांटा नहीं रहता और गाली नहीं दिया रहता, इस तरह का वो माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर करके वो चुक 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 करता है। इसके बाद में और हमारे पास कोयतरों के पास जनरली सुअर होते हैं, सुअर को कोई असभ्य मानते हैं जिसको जमता नहीं, लेकिन उसके और सिर्फ दुर्गुणित नहीं होते, कुछ गुण भी होते हैं। तो सुअर ये नेचुरल स्वच्छता दूत है, नैसर्गिक स्वच्छता दूत है, लेकिन लोगों का देखने का नज़रिया वो निगेटिव रहता है। तो किसी भी चीज़ पर देखना हो तो सिर्फ निगेटिव ही नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए। हम लोग पॉजिटिवली देखते हैं चाहे कितने भी वो खराब हो, कुछ जैसे सुअर को बहुत से लोग खराब बोलते उसको गंदा समझते, लेकिन वो गंदा नहीं है, वो नेचुरल स्वच्छता दूत है। तो वो भी गोंडी से कैसा बात करता है वो देखिए, जब संडास नहीं थे
घरों घर में संडास नहीं थे, तब लोगों को बाहर जाना पड़ता था, और आज भी खेड़ों पहाड़ों में बाहर जाते हैं। तो उसको जब दिखा कोई बाहर जाने वाला लोटा पकड़ के, तो उसके पीछे पीछे वो जाता है और दूर से ही रहता है, वो जाता जाते हुए दूर से ही रहता है, एकदम क्लोज नहीं जाता। तो उसको उसका स्वच्छता करते समय वो दूर रहता है, लेकिन उसको अगर देर हो गया तो वो दूर से ही आवाज़ देता है करके, हो गया क्या करके वो आवाज़ देता है। लेकिन वो अगर जल्दी स्वच्छता नहीं करता, स्वच्छ नहीं करता, तो ये थोड़ा डांटता है, गिर गिर करके उसके पीछे पीछे लगता है। यानी इसका मतलब यह है कि जल्दी गंदा कर, जल्दी गंदा कर, मैं साफ करने के लिए मैं तैयार हूँ, इस तरह का वो उसको स्वच्छ करने के लिए गोंडी से डांटता है, वो गोंडी लैंग्वेज से ही बात करता है। इसके बाद में अपन जाएंगे पशु पंक्षियों की ओर, अपने खेत में, ये सब हो गया घर का, और भी है लेकिन हमको शायद